जनपद में मौसम बदलने से जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या में हुई बढ़ोतरी। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, सर्द व गर्म मौसम की वजह से लोग पड़ रहे हैं बीमार, गर्म कपड़े पहनकर ही निकले बाहर, डॉक्टरों के लिए सलाह। डीएफओ विकास यादव ने कैंपियरगंज में हो रही कटान पर कहा कि हम लोगों का अवैध कटान को रोकने की पूरी तरह से है लक्ष्य, कुछ लोगों पर की गई है कार्रवाई, आगे भी कटान करने वालों पर की जाएगी कार्रवाई। मौनी अमावस्या पर प्रयागराज स्नान करने के लिए जाने वाले यात्रियों के लिए परिवहन निगम चला रहा है 400 बसें। स्नान करने के लिए जाने वाले यात्री ले सकते हैं लाभ, परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक लव कुमार सिंह ने दी जानकारी। गोरखपुर में मौसम की जानकारी के लिए 14 स्थानों पर किसानों के खेतों के आसपास ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन किया जा रहा है स्थापित, किसानों को होगा काफी लाभ, मौसम की होगी जानकारी। तैथवार मल सभा के पदाधिकारियों ने 11 फरवरी को महारैली को सफल बनाने के लिए चंपा देवी पार्क में पानी में गंगा जल डालकर किया स्नान। राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगा सिंह सैथवार ने कहा, जिस तरह महाकुंभ में लोग स्नान के लिए पूरे परिवार के साथ जाते हैं, उसी तरह पूरे परिवार के साथ महाकुंभ में आकर रैली को बनाए सफल।